यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का इसलिए मंदिर नहीं बनाया गया क्योंकि वे अधर्म के भीष्म साथ गंगा थे। मिलन स्थल, यहाँ पर पितामह भीष्म गंगा से मिला करते थे अपनी माँ से। 700 वर्ष पुराना टेम्पल है, टेम्पल तो बाद में बनाया ऊपर का। हेलो दोस्तों, मैं नरेश एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और यह उस महापुरुष के बारे में होने वाला है जब कौरवों और पांडवों को बचपन में शिक्षा दी गई थी जिनके द्वारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरु द्रोणाचार्य की, जहाँ वे रहा करते थे पांडवों के और कौरवों के महल से। हस्तिनापुर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ये प्लेस पड़ता है, वहाँ पर वो रहा करते थे और कौरव और पांडव बचपन में उनसे शिक्षा लिया करते थे। चलिए मैं आपको वह स्थान दिखा देता हूँ। हस्तिनापुर से लगभग, यहाँ आने का मैं रास्ता बता रहा हूँ, हस्तिनापुर से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे पड़ता है। ये गंग नहर के पास में ही है, जो हस्तिनापुर की जो गंग नहर है निकाली गई है उसके जस्ट बगल में ये है। 3 किलोमीटर आप नहर के साइड साथ साथ में चल के आएंगे तो आपको ये प्लेस मिल जाएगा। तो चलिए, द्रोपदेश्वर के नाम से फेमस है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं गुरु द्रोणाचार्य का घर। कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पर आने का, मैं उधर से आया हूँ और ये रहा वो टेम्पल। इसके अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मंदिर हैं इसमें। तो बंदरों से सावधान रहना यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी ढेरों बंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य को कौरव और पांडवों का गुरु घोषित किया गया था, यह वही स्थान है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक यहाँ पर एक कुआं है। जब उनकी गेंद कुएं में गिर जाती है बचपन में, तो उनकी गेंद को निकाल लेते हैं बाहर गुरु द्रोणाचार्य जी, और तभी से उनके गुरु बन जाते हैं। ये यहाँ का वीडियो मैं पहले भी ऑलरेडी आप अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं वो कुएं वाली वीडियो। तो ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, तो यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर ये भीष्म गंगा मिलन स्थल। यहाँ पर पितामह भीष्म गंगा से मिला करते थे अपनी माँ से, जब वे परेशान होते थे तब भी यहाँ से ही बहती थी गंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर और दिखाता हूँ ये कौन कौन से टेम्पल इसमें बने हुए हैं। मंदिर में एंट्री करते ही आपको मिलेगा श्री द्रोपदेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन 7200 ईयर्स प्राचीन, यानी 7200 वर्ष पुराना टेम्पल है। ये टेम्पल तो बाद में बनाया ऊपर का, हाँ, जो अंदर मंदिर है शिवलिंग है वो काफ़ी पुराना है। इधर है काली का अवतार द्रौपदी मंदिर, जो द्रौपदी मंदिर है ये काली का अवतार में दिखाया गया है अंदर। ये मंदिर है हनुमान जी का। अगर आप मंदिर में आते हैं तो आप जैसे ही बाहर आएंगे तो अपना दरवाज़ा बंद करके आएँ वापस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डॉगीज और बंदर वगैरह देखने को मिलते हैं। जगह तो ये काफ़ी पुरानी है और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का इसलिए मंदिर नहीं बनाया गया क्योंकि वे अधर्म के साथ थे, इसलिए उनको यहाँ पर कहीं भी स्थापित नहीं किया गया। लेकिन वो रहा यहीं करते थे और पांडवों और कौरवों को बचपन में उन्होंने शिक्षा इसी स्थान पर प्रदान की। हस्तिनापुर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं और ये मंदिर द्रोपदेश्वर के नाम से फेमस हो चुका है। इस जगह पर पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक कच्चा रास्ता जिससे मैं आया था और एक ये वाला है। दोनों गंग नहर के पास से ही आते हैं, ये आगे चल के आएगा और वो पहले ही आपको मिल जाता है रास्ता कच्चा, ये आगे जाके पक्का रास्ता है। चलिए मंदिर के कुछ नियम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा है। देखो मंदिर के नियम है, पहला, मंदिर परिसर में कोई कार्यक्रम करने से पहले अध्यक्ष अनुमति आवश्यक है। मंदिर परिसर में शराब धूमपान करना सख्त मना है। अपने सामान की स्वयं रक्षा करें और जूते चप्पल चमड़े की वस्तुएं मंदिर में न ले जाएं। और नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जो मीठे पड़े हैं। चलिए अभी आपने देख लिया है सारा मंदिर, अब मंदिर से बाहर निकलते हैं। और मंदिर के जस्ट बाहर आपको यह कुआं देखने को मिलेगा, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिस कुएं में कौरव और पांडव की बचपन में गेंद गिर जाती है। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।